हेलो दोस्तों, नमस्कार। SMKC चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले 6 से 7 कंपनियाँ जहाँ पे हम लोग को बहुत ज़्यादा रिस्क देखने को मिल रही है। रिस्क मतलब यहाँ पे जो कंपनी के मालिक है, जो प्रमोटर्स है, वो खुद यहाँ पे एग्जिट लेते ही जा रहे, क्योंकि हर क्वार्टर में ये नंबर्स बदलते रहते हैं। अभी भी आप सभी लोगों को बताया, Q1 के भी नंबर्स हम लोग को देखने को मिले। सो यहाँ पे हर क्वार्टर में उनके मालिक अपने शेयर्स निकलते ही जा रहे। एंड प्रॉब्लम ये हो चुका है कि रिटेल निवेशक अपना हिस्सेदारी बढ़ाते ही जा रहे हैं। मतलब कंपनी के मालिक एग्जिट कर रहे हैं, फॉरेन निवेशक एग्जिट कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनी, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल्स, मतलब इनके पास इतने ज़्यादा पैसे होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं, क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स होते हैं, तो वो यहाँ से एग्जिट कर रहे हैं। बट हमारे रिटेल निवेशक उनमें एंट्री करते जा रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि यहाँ पे कुछ चमत्कार हो जाएगा, उनको गजब के रिटर्न्स यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो यही कहना चाहूँगा, ये 6 से 7 कंपनियाँ बहुत ज़्यादा रिस्की है। इनफैक्ट ये कभी भी डूब सकती है। आप लोग न्यूज़ चैनल के ऊपर सुबह देखोगे कि न्यूज़ आ गई कि ये कंपनी बंद हो सकती है, इतनी ज़बरदस्त रिस्की है। तो कौन सी कंपनी है वो अभी हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। एंड ज़रूर अलर्ट रहना, जो छोटे, यूजुअली जो मैं बात करता हूँ रिटेल निवेशक है, वही ऐसे कंपनी में फंसते, क्योंकि जो एंट्री लेते हैं मार्केट में, उनका जो सबसे पहला जो फोकस होता है वो इसी कंपनी की ओर जाता है। तो चलिए दोस्तों, मैं किन कंपनी की बात कर रहा हूँ ध्यान से देख लेना है वीडियो, क्योंकि यही रूल अगर आप बाकी कंपनीज़ में भी एप्लीकेबल करके देखोगे तो आप लोगों को अगर ऐसी कोई सिम्टम्स देखते हैं कंपनी में तो ज़रूर आप लोग वहाँ पे भी सतर्क हो सकते हो। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले ज़रूर कहना चाहूँगा, SMKC चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी हिट कर लेना, तो ऐसे वीडियो आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। आप चाहो तो ये वाला वीडियो भी देख सकते हो, एक डिविडेंड वाला ट्रिक है जहाँ से कौन सा शेयर बनेगा या फिर डूबेगा ये आपको पता चलेगा। तो लिंक नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए, ज़रूर चेकआउट करना। एंड स्टॉक मार्केट क्लासेस, इस चैनल पे आज मैंने एक ज़बरदस्त वीडियो यहाँ पे अपलोड किया था, आप लोग देख सकते हैं 10:30 बजे यहाँ पे, जो कि ऐसी कंपनियाँ जो कि यूजुअली आप लोगों को शायद से नहीं पता होगी। तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके इस वीडियो को देख लेना, बहुत ज़्यादा लोगों ने इस वीडियो को अभी तक देख लिया है। सो दोस्तों, अभी हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड जैसे मैंने कहा कि सब जो बड़े इंस्टीट्यूशनल से बड़े बड़े लोग हैं जिनके पास एक्सपर्ट्स होते हैं, वो सब क्या कर रहे हैं, यहाँ से एग्जिट कर रहे हैं। एंड यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे, मतलब सोशल नेटवर्किंग के ऊपर वीडियोस देखे होंगे, फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, व्हाट्सअप के ऊपर, और उससे वो इन्फ्लुएंस होकर यहाँ पे डिसाइड कर रहे कि हम लोग इस कंपनी में निवेश करेंगे और हम लोगों को लॉटरी लग जाएगी। सो दोस्तों, आप लोग बहुत ही एक गलत फहमी में हो, शायद से आपका पैसा बहुत ही मतलब खतरे में पड़ सकता है, डूब भी सकता है। तो चलिए मैं आप लोगों को कुछ कंपनियां यहाँ पे बताने चाहूँगा। तो यहाँ पे सबसे पहली कोई कंपनी है रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर। यस दोस्तों, लगभग 30 रुपये के आसपास ये कंपनी देखने को मिल रही है। बीच में अपर सर्किट के ऊपर अपर सर्किट लगाती ही जा रही थी, ऑलरेडी बहुत सारे रिटेल निवेशक इसमें फंस चुके हैं। मैं वापस कह रहा हूँ, इस कंपनी का भवितव्य बहुत ज़्यादा खतरे में है, बहुत ज़्यादा। अभी जैसे मैंने कहा कि जो लोग मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं उनको पता है कि कौन से कंपनी में रहना नहीं रहना है, क्योंकि अगर कोई भी नया है स्टॉक मार्केट में, वो जो 7 स्टेप्स लगा के चेक करता है उसको समझ में आता है। अभी ये 7 स्टेप्स कौन से, तो वापस कहूँगा कि ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख लेना, यहाँ पे आई बटन आता है, इसके यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा आप लोगों को, फिर दिख जाएगा। तो ये 7 रूल्स आप लोगों को फॉलो करने पड़ेंगे, उसके बाद आप लोगों को ऑटोमेटिकली आप लोग एटलीस्ट गलत कंपनीज़ में नहीं पड़ोगे। तो ये 7 रूल्स में आराम से आप लोगों को पता चलेगा, क्योंकि कंपनी का चार्ट पैटर्न अगर आप लोग देखते हैं, 1 महीने का चार्ट पैटर्न हो, 1 साल का चार्ट पैटर्न हो, 5 साल का चार्ट पैटर्न हो, आप देख सकते हो ये कंपनी बिल्कुल भी मतलब अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे रहने के लिए, कंप्लीटली डाउन ट्रेंड वाला चार्ट पैटर्न है, ऐसे कंपनी में नहीं रहना चाहिए। एंड और तो और, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेना, यहाँ पे तो और भी चीज़ें क्लैरिफाई हो जाएंगी। सो दोस्तों, ये रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर का शेयर होल्डिंग पैटर्न है। प्रमोटर्स देख लेना, ये रिसेंट है, मार्च 20 है, डिसेंबर 19 है, ठीक है। तो पहले कितने हुए करते थे, 40.98, बाद में 39.69, बाद में कम होके 34.83, कम होते होते 34.83, एंड अभी 14.7। मतलब कितने ज़बरदस्त, अपने ही कंपनी में उनको पता है कि गड़बड़ी चलने वाली है और वो खुद यहाँ पे एग्जिट हो चुके हैं। और तो और, आप साइमल्टेनियसली चेक भी कर सकते हो, उनके शेयर भी 85% तक गिर भी है, मतलब बैंक्स के पास पड़े हैं लेंडिंग करके, मतलब उन्होंने जितने भी यहाँ पे फंडिंग उठाई है उसमें उन्होंने सिक्योरिटी में अपने ही शेयर्स गिरवी रखे हुए हैं। सो बैंक कभी भी इन्वोक कर सकती है, अभी भी देख लेना। मतलब कितना, मतलब पहले हुआ करता था 40-41%, कम कम होते होते अभी सिर्फ 14% बचा है। और आप लोग देख सकते हैं, ऐसा नहीं, फॉरेन निवेशक भी देख लेना साइमल्टेनियसली, पहले 30.49 था, 25 कर लिया, 15 कर लिया, कम होते होते बाद में 12 तक अभी हम लोग को देखने को मिल रहा है। बट अभी ताज्जुब की बात देख लेना, अभी हम लोग आ जाते हैं अदर कैटेगरीज। अदर कैटेगरीज मतलब यहाँ पे हमारे रिटेल निवेशक, छोटे निवेशक, जो पहले सिर्फ 14.55 रखते थे, बाद में 18 कर लिया, उसके बाद 35 कर लिया, परसेंटेज देख लेना कैसे बढ़ा रहे जब कंपनी डूब रही है, तो 45.91,
शायद से नेक्स्ट इसमें हम लोगों को शायद से 50% से भी ज़्यादा देखने को मिलेगी, और शायद से रिटेल इन्वेस्टर ही इस कंपनी के ओनर बन जाएंगे। मतलब समझ में आ रहा है कि ओनर्स ही एग्जिट कर रहे हैं, फॉरेन निवेशक एग्जिट कर रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनी वाले एग्जिट कर रहे हैं, बट हमारे रिटेल निवेशक माल खरीदते ही जा रहे हैं, ये सपने में, ये उम्मीद के ऊपर कि कंपनी में कुछ तो अच्छा होगा। जो कंपनी के नज़दीक होता है ना, वो प्रमोटर होता है, उसको पता होता है कि कंपनी का भवितव्य है या नहीं। मुकेश अंबानी की अगर हम लोग बात करें, उन्होंने 20,000 करोड़ रिलायंस इंडस्ट्री में निवेश किए थे। क्यों किए थे? 8 महीने बाद देखने को मिला कि जियो का ऐसा बड़ा प्लान होने वाला है, धमाका। तो उनको सब पता होता है कि कौन से कॉन्ट्रैक्ट आने वाले हैं, कंपनी के ऊपर कोई केस आने वाला है, उन्होंने कोई डिफॉल्ट किया है, कोई गलती की है, इसलिए वो पहले एग्जिट कर लेते हायर लेवल पे। और यहाँ पे रिटेल निवेशक एंट्री करते ही जा रहे ये उम्मीद में कि यहाँ पे पैसा बनेगा। और ऐसे एक कंपनी नहीं, अभी आप लोगों को लिस्ट बताऊंगा, ये सिर्फ मैंने इन्वेस्ट किया है इतना टाइम इसी एक कंपनी के ऊपर कि आप लोगों को बताने के लिए। अभी फटाफट मैं आप लोगों को सिर्फ स्टैटिस्टिक दिखाऊंगा, नंबर्स दिखाऊंगा, तो आप लोगों को समझ में आएगा कि आप लोग कितनी बड़ी गलती कर रहे हो। और प्रॉब्लम क्या होती है दोस्तों, बताना चाहूंगा, जो स्टॉक मार्केट में नया होता है ना, कोई शर्म की बात नहीं, हम लोगों ने भी ऐसी शुरुआत की थी, बट फ़र्क क्या होता है कि हम लोगों ने छोटा अमाउंट डाल के देखा था, 100 रुपया, 200 रुपया। लोग यहाँ पे 1-1 लाख की बात करते, 2-2 लाख की बात करते, 10 लाख की बात करते, तो ये अच्छी बात नहीं लगती है। मतलब किसी के ऑलरेडी 1 लाख फंस चुके हैं, वो अभी ऐसे कंपनी में बात करा, क्या हम लोग और एवरेज करें 2 लाख डाल दें, तो भगवान ही आपको बचा सकता है, क्योंकि कोई गारंटी नहीं। अगर लक अच्छा रहेगा, आपका किस्मत अच्छी रहेगी, तो बन जाएगा पैसा, वरना बहुत मुश्किल है। आपके सामने ही मैंने सारे पैरामीटर्स यहाँ पे दिखा दिए। तो प्रॉब्लम क्या होती है, ऐसे लोग बाद में स्टॉक मार्केट को गाली देते हैं कि स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं बनता है, हम लोगों को लूट लेते हैं। अगर आपको गाड़ी चलाना आता नहीं है तो स्टेयरिंग घुमाओगे तो गाड़ी ठुकेगी, अगर तैरना नहीं आता तो आप समुंदर में जंप करोगे तो क्या होगा, डूबोगे ही ना। तो यही प्रॉब्लम है दोस्तों, रिटेल निवेशक क्विक पैसा कमाने के चक्कर में हमेशा अपने गाढ़े इनकम गंवा लेते हैं। अभी आ जाते हैं, बहुत सारे ऐसे कंपनीज है, कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं, उसके बाद देख लेना रिलायंस पावर कितने रुपये का है, 3 रुपये का आसपास चलने वाला ये स्टॉक है, ठीक है। बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि अनिल अंबानी एंड मुकेश अंबानी की रिलायंस कैसे पहचाने, तो इससे पहले भी मैंने आपको बताया, ये देखिए, ये अनिल अंबानी के जो रिलायंस है ना, उसके ए में आप लोगों को ऐसे डबल ये देखने को मिलेगा, मतलब ए स्टैंड्स फॉर अनिल अंबानी, ऐसा आप लोग समझ सकते हैं। सो रिलायंस पावर, ठीक है, ये भी कंपनी, अभी चार्ट पैटर्न आपको दिखाते वक्त टाइम वेस्ट ज़्यादा नहीं करूँगा, पर आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कोई फ्यूचर नहीं, 60 का 40 40 50 और नीचे 40 30 20 10 और अभी 3 रुपया, फिर भी रिटेल निवेशक ये सपना देख रहे हैं कि यही शेयर में कुछ तो चमत्कार होगा, 3 का शेयर 300 हो जाएगा। कुछ नहीं होने वाला है दोस्तों, आपका सिर्फ पैसा और वक्त बर्बाद हो जाएगा और कुछ नहीं। तो अभी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे भी देख लेना शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रमोटर के पास पहले 45 थे, बाद में 43 हो गए, देख लेना यहाँ पे 19 हो गए, यहाँ पे भी वापस आप देख सकते हैं 19.29 हो गए। तो और गिरवी भी देख लेना कि कितने गिरवी रखे, हम तो सिर्फ 25% तक अलाउड करते हैं, मतलब ऐसे कंपनी में रहना ही नहीं है, थोड़ा सा नीचे आते। और यहाँ पे हमारे रिटेल निवेशक 31 का 37 हो गया, 37 का 53 कर लिया, और 53 का अभी कितना है, 55 कर लिया, बहुत बढ़िया, और बढ़ाते रहना। मतलब क्या बोलने का, अभी आप ही सोच लेना यहाँ पे कि, और बाद में बोलेंगे कि पैसा नहीं बनता है, कैसे बनेगा, यहाँ पे खुद ओनर ही नहीं चाहते कि उनकी कंपनी में वो रहे, माल बिकना है तो रिटेल निवेशक चाहिए, तो उनको बिकवा रहे हैं, देख लेना। और ऐसे बहुत कंपनी है, अभी मैं आप लोगों को जो आखिरी कंपनी बताने वाला हूँ वो भी देख लेना, वहाँ पे भी बहुत सारे लोग ऐसे ही कर रहे हैं। रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड 2 रुपये के आसपास चलने वाला, 2.5 रुपये के आसपास चलने वाला स्टॉक, चार्ट पैटर्न देखोगे तो सेम कहानी है, यहाँ पे भी देख लेना। प्रमोटर की हिस्सेदारी देख लेना, 29.84 थी, अभी हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे आते 25.25 है। और सबसे खास बात, 100% शेयर गिरवी है, मतलब पूरा बैंक के ऊपर ही चलेगा इनका शेयर, अगर यहाँ पे पेमेंट नहीं, पूरा बैंक बेच देगी, और बैंक भी बेच के क्या मिलेगा उनको, ये 2 रुपया 6 रुपया, मतलब बैंक भी बोलेगी छोड़ो यार क्या बेचने का, मतलब यही प्रॉब्लम है। और नीचे देख लेना, पहले 19 थे और अभी रिटेल निवेशकों ने 26 कर लिए, उसके बाद 31.63 हो गए, बढ़ाते ही जा रहे। अच्छे कंपनी में रिटेल निवेशक अपना हिस्सेदारी नहीं बढ़ाते, कौन डालेगा 1,000 रुपया 2,000 रुपया, इससे अच्छा 2 रुपये में हम लोग को 1,000 क्वांटिटीज़ के मालिक बनते हैं हम लोग, कोई वैल्यू नहीं है। ये तो ऐसी बात हो गई कि अगर आप लोगों को मैं यहाँ पे इतना भर भर के यहाँ पे भंगार बोलते हैं ना हम लोग, गार्बेज दे दूँ, और यहाँ पे मैंने एक सिर्फ आपके लिए सोने की ईंट रख दूँ, तो कौन से लेगा, क्या गार्बेज लोगे कि यहाँ पे इतना ज़बरदस्त उसका वजन है, नहीं ना, सोने की ईंट ही लोगे ना, क्यों, उसकी वैल्यू है। तो सेम वे शेयर में भी ऐसा ही होता है, मुझे नहीं पता कि आपका लॉजिक यहाँ पे इससे वक्त कहा जाता है, बट इसी मिस्टेक का शिकार रिटेल निवेशक होता रहता है। रिलायंस कैपिटल कितने रुपये का है, 9 रुपये के आसपास चलने वाला स्टॉक है, कुछ नहीं, चार्ट पैटर्न देखोगे कुछ देखने लायक नहीं है, 100-200 का स्टॉक था, अभी खत्म हो चुका है। यहाँ पे प्रमोटर देख लेना, 41 था, बाद में 40 हो गया धीमे धीमे करके, अभी तो सिर्फ 1.5 रखे, उसमें से भी 3.5% गिरवी है, मतलब कोई होप ही नहीं है। बट नीचे अगर हम लोग आएंगे, ज़रा देख लेते हैं, हमारे रिटेल निवेशक 23 का 32 कर लिया, 32 का 65,
अभी 78, शायद से आगे जाके 80 भी कर लेंगे। तो इस 80 में आप लोग मत आ जाना कि यहाँ पे खरीद के कुछ चमत्कार हो जाते हैं, तो क्योंकि ये सालों साल ऐसे ही चल रहा है। रिटेल निवेशक जो नए लोग होते हैं वो ऐसे ही इसमें ट्रैप में फंस जाते हैं। तो दोस्तों सस्ता कोई भी चीज़ नहीं खरीदना होता है, वरना बहुत वो महंगी पड़ जाती है। उसके बाद रिलायंस कम्युनिकेशन, मुझे नहीं लगता कि इसके बारे में कोई बताने की ज़रूरत है। आरकॉम कोई ज़रूरत नहीं, मेरे कितने पुराने वीडियोज़ है आप लोग देख लेना, 100 रुपया बनेगा इससे रिलेटेड मैंने बहुत बार वीडियो बनाए हैं कि यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला है, जो है वही पे रहेगा। बहुत सारे लोग ये भी आपको बताते हैं कि इसमें जियो और इसमें डील होने वाली, मैंने खुद भी बता दिया। तो वो रिलायंस का फ़ायदा होने वाला है, इंडस्ट्री का, जियो का। ये कंपनी तो ऑलरेडी बिक चुकी है, पूरा जो बैंक है उनको ही पैसा नहीं मिल रहा है। वो जो भी डील होगा तो उसका पैसा आरकॉम को नहीं जाएगा, वो बैंक्स को जाएगा। सो समझ लेना कंपनी पूरी डिस्ट्रॉयड है, फिर भी बहुत सारे लोग टाइम पास करते रहते और कुछ भी नहीं, यहाँ पे पैसा डाल के वो सोचते कि एक दिन कुछ ना कुछ चमत्कार होगा। तो यहाँ पे देख लेना, चमत्कार अगर होता है तो उनके ओनर्स ही क्यों निकलते हैं। 22% की होल्डिंग थी, उन्होंने 10% कर ली, 10 की अभी 5 कर ली, चमत्कार होने वाला है ना, तो वो खुद ही भाग गए। तो अभी आप देख लेना, और नीचे चमत्कार का इंतज़ार कौन कर रहा है, देखिए रिटेल निवेशक 37.96, बाद में 50 का 58 कर लिया, और अभी बाप रे बाप 74.27। मतलब क्या बढ़ाते ही जा रहे हैं यहाँ पे हिस्सेदारी, किस फिराक में होते हैं उनको पता नहीं, उनको क्या उम्मीद होती है ऐसे कंपनी से, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। और अगर आपको ऐसी कोशिश ही करनी है तो हमेशा छोटा अमाउंट डालना होता है, 100 रुपया डाल के देख लीजिए कितना बड़ा आपको लॉटरी लगता है, समझ में तो आएगा। किसी ने तो कमेंट किया 2.5 लाख रुपये डाले इस हर ADAG के जितने भी ये ग्रुप से ना, कंपनी 6 कंपनी में 2.5 लाख रुपया, और वो नीचे अभी आ चुके, तो वो पूछ रहे कि और 2.5 लाख रुपये डाल दूँ एवरेज करके। मतलब सोच सकते हो कि अगर आपको नॉलेज नहीं है बट आप इतने हेवी अमाउंट इन्वेस्ट करने जा रहे हो तो क्या होने वाला है, आपका नुकसान ही होगा और कुछ नहीं। लिख के दे सकता हूँ मैं आप लोगों को, अगर बहुत बड़ी आपको किस्मत रहेगी उसके ऊपर भगवान का हाथ रहेगा तो शायद से कुछ हो गया तो चमत्कार है, वरना कोई आपको नहीं बचा सकता। रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड, ये भी देख लेना, 2 रुपये का शेयर है, ठीक है। यहाँ पे आ जाते हैं, देख लेते, ये आखिरी है क्या, यहाँ पे उम्मीद है 74 था, बाद में 73 हो गया, अभी गिर गिर के 49 हो गया। मतलब प्रमोटर ही एग्जिट कर रही है, ये भी अभी आगे जाके 49 का 10 भी हो जाएगा, 4 हो जाएगा, निकल जाएंगे वो लोग भी। और यहाँ पे हमारे जो रिटेल निवेशक है वो 11 14, उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे 30 40, और ये भी 50 60 हो जाएंगे, क्योंकि प्रमोटर अभी तक निकले नहीं है ना इसमें, 49 तो है, धीमे धीमे करके वो निकल जाएंगे, सिर्फ 9 4% रहेंगे, तो हमारे रिटेल निवेशक खरीद लेंगे उसी लिए तो वो है। तो यही कहना चाहता हूँ दोस्तों, थोड़ा सा बुरा लगेगा आपको बट ये सच्चाई है कि रिटेल निवेशक इसीलिए पैसा नहीं कमा पाता है क्योंकि वो हमेशा क्वांटिटी के ऊपर जाता है, क्वालिटी के ऊपर जाता ही नहीं है। मेरे पास इस कंपनी के 50,000 शेयर है, क्या वैल्यू क्या है उसकी, कुछ भी नहीं, बिग अंडा, जीरो, कोई फ़ायदा नहीं। इससे अच्छा एक कंपनी के 2 3 शेयर भी खरीदोगे ना, उम्मीद रहती है वहाँ पे कि कुछ अच्छा हो सकता है। सो यही बताना चाहता हूँ। और एक कंपनी है ऐसा नहीं, जेट एयरवेज, ये भी एक नया फैड आ चुका है कि ये भी कंपनी ज़बरदस्त भाग सकती है दोस्तों। NCLT में है ये कंपनी, कभी भी ताला लग सकता है इस कंपनी के ऊपर भी, कुछ नहीं है यहाँ पे भी। और सेम यहाँ पे जो डेटा है प्रमोटर का देख लेना, 51% के शेयर थे, अभी कितने हैं देख लेते, 24.99, मतलब प्रमोटर निकल चुके हैं, वो भी 24 रखे उसमें भी वो गिरवी रखे हुए हैं। मतलब आप देख सकते हो कि कुछ यहाँ पे भवितव्य नहीं है। और रिटेल निवेशक देख लेना, 10 थे 10.97 कर लिए, 12.17 हो गया 14.9, और ये बढ़ जाएगा, अभी नहीं, अभी तक कंपनी 24 रुपये के आसपास है ना, 20 24 रुपये का, ये 2 रुपये का होने दो, यहाँ पे 70% आ जाएगी। मेरा मन बोलने का मतलब यही है कि इस बेवकूफ़ी में आप शामिल मत होने ना, और यही मेरा रिक्वेस्ट भी है दोस्तों, आपसे विनती है कि ऐसे वीडियोस में बनाता हूँ बट वो रिटेल निवेशक तो पूछते नहीं है, तो प्लीज़ ऐसे वीडियोस को सपोर्ट कर लेना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लेना। और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि वीडियोस को लाइक करना, ज़्यादा लाइक करने से क्या होता है कि यूट्यूब खुद ऐसे वीडियोस को प्रमोट करती है, तो आपके जैसे लोगों तक वो वीडियो पहुंच जाएंगे तो आप बच पाओगे। तो यही मेरा एक मकसद है और कुछ भी नहीं, और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, आपसे भी बड़े बड़े लॉस मैंने इसमें ऐसे पैसे में डाल के गंवाए अपने पैसे, तो ये गलती मैंने की है तो आप मत करिए, इसीलिए ये ऐसे वीडियोज़ में लाते रहता हूँ। तो जो लोग मेरे चैनल से हमेशा जुड़े रहते तो उनसे यही विनती है कि ऐसे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, तो बहुत सारे लोगों को हम लोग बचा पाएंगे। और जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आपको किस्मत ही आजमानी है ना, चलो 100 रुपया डाल के तो देखो, लगा लो 100 रुपया 200 रुपया, देखो तो कितना 100 का 1000 हो जाता है, पर 1 लाख रुपया 2 लाख रुपये नहीं, बेवकूफ़ी है। तो यही कहना चाहूँगा, इन कंपनी में बच के रहना, आपके सामने मैंने डेटा रखा है, अगर आपको लगता है ये डेटा अच्छा नहीं है, कुछ तो हो सकता है, आप जा सकते हो फ्रीली, मैं आपको रोकूंगा नहीं, थोड़ी मैं आपके घर पर आऊँगा। तो यही कहना चाहता हूँ, ये फ्री फ्रीडम आपके पास है कि आपको ये वीडियो चाहे तो फॉलो कर सकते हो, अनफॉलो कर सकते हो, बट ज़रूर इसके बारे में सोच लेना कि आप लोग कौन से डायरेक्शन में जा रहे हो। सो इतना कह रही है, ये वीडियो को रोकना चाहूँगा, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग इन अ नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।